थैंक यू। ये देखो हमारा फोटो आ गया। आप तो वीआईपी गेस्ट की फोटो नहीं आएंगे क्या? थैंक यू। और ये लक की बात हुई देखो। थैंक यू। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आज बहुत ही सुनहरा पल है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय हुमर फेडरेशन की तरफ से पौधे लगाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग रह रहा है वो है हमारी शर्मिष्ठा जी। तो हम चाहते हैं कि शर्मिष्ठा जी और सुजीत जी का तिलक लगाकर यहाँ पर स्वागत किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय हुमर फेडरेशन की तरफ से हमारे राजस्थान प्रोविंस का अभी कुछ ही दिनों पहले शपथ ग्रहण हुआ था, जिसमें हमने 5,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था। उसी संकल्प के तहत आज हमने शुरुआत भी कर दी है और आज हम 40 पौधे लगाने जा रहे हैं। और ठीक इस तरह से इस पूरे साल के अंदर हम 5,000 पौधे सारे प्रोविंस की सदस्याएं मिलकर लगाएंगी, इस तरह से हमने तय किया था और वो हम इस साल में इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले पौधारोपण से। शर्मिष्ठा जी, मैं आपसे निवेदन कर सकता जी और सुजीत जी मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सभी सदस्याओं को पौधे वितरित करें ताकि हम उनका पौधारोपण कर सकें। शर्मिष्ठा जी पधारें और सुजीत जी एक एक सदस्याओं को एक एक पौधा दें। ठीक, सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष तिशला जी हमारे बीच में है, तो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान प्रोविंस की अध्यक्षा श्रीमती शर्मिष्ठा जी तिशला जी को पौधा दे और उनके कर कमलों द्वारा ये पौधा दीप ज्योति माध्यमिक विद्यालय में हम लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लगा इसलिए रहे हैं कि ताकि इसकी केयर भी व्यवस्थित हो जाएगी। वैसे हमने सबके अपने अपने घर और घर के आसपास ही लगाने का निश्चय किया, लेकिन जब केयर नहीं होती है तो हमारे इन पौधों की देखरेख भी अच्छी तरह से हो जाएगी। शर्मिष्ठा जी, अब आप करिश्मा जी को पौधा प्रदान करें अपने हाथों से। उसके बाद सुनीता जी आगे आ जाए, दीपिका जी आ जाए, सुजीत जी आप भी आगे आए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कल से आप बहुत ही भागम भाग कर रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, तो हम दिल से आपके भी बहुत आभारी हैं शर्मिष्ठा जी के साथ में कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया है, न सिर्फ तन से दिया है बल्कि आर्थिक सहयोग भी दिया है। तो मैं सभी सदस्यों से चाहूंगी कि वो एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस कपल का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करें और बहुत बहुत आभार प्रकट करें कि आज इन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, साथ ही ये पौधे वितरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक आते जाए सभी आगे। डिंपल जी आप आ जाए आगे। मैडम आप भी आ जाए। एक पौधा कोई मुझे भी दे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आज मेरा बर्थडे है और मैं फेडरेशन की मेंबर तो हूँ ही, साथ में यस आज मैं 2 नहीं 10,000 जितने कहो इतने पौधे लगाने के लिए तैयार हूँ। जो मैडम बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर तरीके से जो एंकरिंग करती है, इनका हमारे समाज में इतना बड़ा योगदान है कि इसका हम लोग कभी भी आप मतलब कुछ नहीं बोल सकते, मतलब अमेजिंग लेडी। और अब मैं मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिशला जी से निवेदन करूंगी कि वो इस कपल को भी अपने हाथों से पौधे दे, उन्हीं के पौधे उन्हीं को देने हैं, लेकिन उसे दे, क्योंकि जब पौधों के साथ में प्यार और भर जाता है तो हम जानते हैं कि बच्चों में भी अगर हम प्यार से केयरिंग करते हैं तो वो पौधा बच्चा हमारे कितने जल्दी बड़े होते हैं। तो ठीक है, अगर इन पौधों को भी हम अपन बच्चों की तरह केयरिंग करेंगे तो वो पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और बच्चे ये भाग के आए कि हम भी अपने हाथों से लगाएंगे। तो इन बच्चों का भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ
क्योंकि इनके अंदर वो बीज पड़ रहा, पौधे लगाने हैं और उनकी रक्षा करनी है। जहाँ कहीं जगह मिले, जहाँ तुम्हें लगे हम यहाँ पर, कोविड स्पेशली आज पौधे लगाने के लिए जल्दी उठ के तैयार होकर आया है कि आज मैं पौधा लगाऊंगा। वंदन भी आगे आ जाए, और वंदन की भी दिली ख्वाहिश थी मैं अपने हाथों से पौधा लगाऊंगा, और इसने ये शपथ भी ली है कि मैं इसको हमेशा पानी पिलाऊंगा और इसको बड़े होने तक इसकी पूरी सेवा करूंगा। बेटा आप भी आ जाए, आपका नाम को स्पेशली ध्यान रखने की। वैसे हम लोग आएंगे देखने के लिए, और भैरू ने बहुत मेहनत भी की है इसका, फोटो के साथ आएगा। अक्षत मिश्रा जी के द्वारा पौधारोपण बहुत ही सुपर। ये देखो आप कैसे मिट्टी को अंदर भर रहे हैं, और जब अपने हाथ माटी को लगते हैं तो वो माटी सोना बन जाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक गीत गाया था, मेरे देश की धरती सोना उगले, तो ये देखो ये सोना उगलेगी। यही मिट्टी, राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी ने बोला था कि आलू सोना होता है, लेकिन आलू से सोना नहीं बनता है। मिट्टी अब सोना उगलने जा रही है, ये पौधे बड़े होंगे, ये फल देंगे, दवाइयां देंगे, हवा देंगे, हमें पानी देंगे, तो यही हमारा सोना। इसको पूरे पूरी भर दो अपने पौधों को। इनको लग रहा है कि हम बहुत ही अच्छा काम आज कर रहे हैं, और भगवान करे ऐसी फीलिंग आपको हमेशा आती रहे। आप ऐसे ही हमारे 5,000 पौधों का लगाने का जो टारगेट है वो पूरा करने में भी इसी तरह से लगी रहे, और वो टारगेट हमारा 1 साल के अंदर बहुत जल्दी पूरा करे। इधर देखो, वेरी नाइस। इतनी धूप के अंदर भी हमारी ब्यूटीफुल महिलाएं कर रही है, इतनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर महिलाएं ऊपर देखे काले होने का प्रयास कर रही है। उनको अपनी स्किन की चिंता नहीं है, देखो वो पौधों की चिंता कर रही है। इतनी धूप में तब तब के ये आई है, और इनकी रक्षा भी करेगी। बच्चों का ग्रुप, पहले बच्चों का ग्रुप आ जाए। तो आ जाए देवेंद्र जी, हमारे बीच में जो हिम्मता की सरिया है जिनका कोई मुकाबला नहीं है एंकरिंग में और बोलने में, अब इन बच्चों का इनका जन्मदिन है, तो आज वो अपनी तरह से जो पौधा रोपण कर रही है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस पौधे को वो अपने बच्चे की तरह बड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बहुत ये वृक्ष उनके लिए बहुत काम आएगा। यस, किसका वृक्ष है ये? कितने प्यारे प्यारे फूल देता है, पीले कलर के मेरे जैसे, और मेरे फूल भी देता है ये। आप लगाओ मेरे हाथों से ये पौधा, प्लास्टिक निकालो। बहुत ही मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। सर मिश्रा जी, जिस दिन आज मेरा बर्थडे है, बिल्कुल, और मैं यहाँ पर आकर और कॉल करके पूछना पड़ेगा आपको पौधा कैसा है। स्पेशली मैं शर्मिष्ठा जी की बहुत आभारी हूँ कि मेरे इस दिन को आज और इन्होंने अमेजिंग बना दिया, बहुत अमेजिंग दिन बना दिया आज मेरा इन्होंने। अगर ये नहीं होते हमारे टीम में तो शायद अभी 1 जुलाई को हमारे 200 पौधे और आएंगे, हमने बुक करवा दिए 1 जुलाई को। तो हिम्मता जी आपको बार बार आना पड़ेगा, हमारे ये प्रोग्राम करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, लाल टमाटर जैसा है। परिवार इसके अंदर लगा हुआ है, और साथ में ये हमारी ब्यूटी क्वीन जो आप देख रहे हो, जिसके हाथों में पौधा है, हर फील्ड में आगे है, और आज अपने हाथों से ये पौधा और लगाने जा रही है। बहुत ही सुपर, इस फैमिली को भी देख सकते हो, पूरी ब्यूटी क्वीन के ब्यूटी फैमिली है ये, इसलिए सारे बच्चे भी बड़े प्यारे प्यारे हैं, होशियार भी हैं, और साथ में पर्यावरण के लिए समर्पित भी है। ऐसे पर्यावरण के लिए समर्पित परिवार, शिक्षा के लिए समर्पित परिवार के द्वारा ये पौधारोपण, कितने खुश हैं ये आज देख सकते हैं हम, इतने प्यारे परिवार के हाथों से ये पौधारोपण, सुंदर, अति सुंदर। और जब ये देखेंगे कि ये बड़ा हो रहा है और ग्रो कर रहा है, और इस पे बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, बहुत ही सुपर। एक वो है, 5 बाहर होती है, बड़े पौधे बाहर। यस,
आज का हमारा ये प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन फेडरेशन टीम के द्वारा अरेंज किया गया है, जिसमें हमारी राजस्थान प्रोविजंस की टीम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके कार्यरत है। इसी में हमने जब हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम वर्ष भर में 5000 पौधे अरेंज करके और उसके जगह जगह हम लोग उसको लगवाएंगे। तो इसी के साथ हमको पूरा सहयोग दिया है हमारी राजस्थान फेडरेशन की टीम है, राजस्थान प्रोविजंस की शर्मिष्ठा जी, जिन्होंने ये इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने इनकी स्कूल में वो हमें जगह दी है कि हम पौधारोपण करें और ये सारी व्यवस्था इनकी तरफ से की हुई है। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ शर्मिष्ठा जी ने, जिन्होंने हमको इस कार्य के लिए आगे भी किया और साथ में हमको मुझे पूरी टीम के साथ यहाँ पर बुलाकर आभार व्यक्त करवाया। फेडरेशन की अध्यक्षा त्रिशला जी, हेमलता जी और जो भी हमारी कार्यकारिणी की सदस्य हैं उन सब से यहाँ आने का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में जो अपना समय दे करके और मेरे चंद एक दिन के कार्यक्रम में मेरे एक बार फोन करने पे इन्होंने यस किया और बहुत जल्दी हमारी एक्टिव लेडीज जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम सब एग्री है आने के लिए। इतना इनको मतलब पेड़ पौधे लगाने के प्रति जागरूक है कि जिसकी कोई हद ही नहीं, और सब पंचुअली टाइम की 9 बजे बिल्कुल टाइम से यहाँ आ गई थी और बहुत शौक से बहुत इतनी धूप तपस्या में भी इन्होंने अच्छे से खुशी खुशी पेड़ पौधे लगाए। मैं इनके लिए बहुत बहुत यहाँ आने के लिए धन्यवाद देती हूँ उनको। जी आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं। हमें बहुत खुशी हुई है आज पेड़ पौधे लगा के, मेरी कब से इच्छा थी कि हम सब मिलके कहीं जाके पेड़ लगाए और आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम सब ने मिलके आज पेड़ पौधे लगाए। आप बताएं आपके स्थान पे लगाए हैं। यहाँ दीप ज्योति माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 14 उदयपुर में राजस्थान प्रोविंस महिला फेडरेशन की अध्यक्ष श्रीमती शमिष्ठा जी, श्रीमती त्रिशला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्रीमती दीपिका जी, हेमलता जी, करिश्मा जी सभी पधारे और हमारे यहाँ पर पौधारोपण का इन्होंने कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ बता रहे और हमारा कार्यक्रम है। क्या कहना है, आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा सब जगह से पौधे लगा करके और शर्मिष्ठा की वजह से हमको इतनी अच्छी जगह मिली। एक्चुअली मैं मेरी सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे वहाँ इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती है, इनकी वजह से मुझे आज इतने अच्छे पौधे लगाने का मौका मिला। आप बताओ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे पौधे लगा के, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी कभी ये ऐसे पौधे वगैरह लगाऊँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शर्मिष्ठा जी। आप बताओ। यहाँ का बहुत अच्छा लगा कि हमने पौधारोपण किया और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने घर के बाहर भी पौधे लगाएं। धन्यवाद। आजकल वैसे भी एनवायरनमेंट को लेके बहुत अवेयरनेस है और यहाँ पे आके ये एक एनवायरनमेंट के लिए हमने जो हमारा एक पार्ट दिया उसके लिए हमें बहुत खुशी हुई और इस प्लांटेशन प्रोग्राम का पार्ट होके आई एम फीलिंग हाईली प्रिविलेज्ड टू बी हियर। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ शर्मिष्ठा जी का, इन्होंने शुरुआत की है, अब धीरे धीरे हम सब शुरुआत करेंगे और हम सब यही चाहते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, आज मेरे हाथों से और हमारी सारी सदस्यों के हाथों से हमने शर्मिष्ठा जी की मदद से यहाँ पर पौधे लगाने के काबिल हो पाए और जगह होना, क्योंकि पौधे लगाने की ख्वाहिश तो सबकी रहती है लेकिन जगह अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल काम है, फिर उसकी केयरिंग करवाना वो भी, और ये सबसे बड़ी आज की नीड है, उस नीड को पूरा करते हुए आज हमने यहाँ पौधे लगाए। तो रियली आई एम फीलिंग सो हैप्पी और आज मेरा बर्थडे और बर्थडे के दिन मुझे वो ये सौभाग्य मिला तो मुझे आज थोड़ा और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा सौभाग्य जाग उठा। बहुत खुश हूँ आज मुझे पेड़ लगाने का मौका मिला, मुझे शौक भी बहुत है पेड़ लगाने का और इन्होंने मुझे सबको इनवाइट किया। जी क्या कहना जी। वर्तमान में प्रदूषण बहुत फैल रहा है और उसकी वजह वही है कि पेड़ पौधों की कटाई और पहाड़ों की कटाई, इसलिए वर्तमान को देख के ये बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति एक एक पौधा लगाए तो शायद आने वाले समय में बहुत अच्छा सघन मतलब वातावरण भी अच्छा हो जाएगा और इसका लाभ हमको मिलेगा। जब भी कोई आयोजन होता है किसी भी समाज या संगठन का तो किसी होटल की तलाश करते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ऐसे स्थान पर आई हैं, विद्या का जहाँ पर मंदिर है उस स्थान पर आई है, किसी का बर्थडे है तो किसी की संस्थान की वर्षगांठ है तो कोई अपने किसी खुशी के लिए पौधारोपण कर रही है। हर व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो पौधारोपण करे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। अगर हर व्यक्ति में ये कल्पना होगी तो एक दिन पूरी धरती प्रदूषण मुक्त हो जाएगी और सभी आराम से जी पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी आराम से जी पाएगी। हेमंत शिवाली।
सभी सदस्य जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन सभी को मैं अपनी तरफ से एक एक पौधा गिफ्ट कर रही हूँ, वितरित कर रही हूँ, तो ताकि वो घर ले जाके भी अपनी तरफ से एक एक पौधा पौधारोपण करें। और ये हमारे लिए आज बहुत ही यादगार का दिन रहेगा, और ताकि वो इसकी खुद ले जा करके करेंगी तो बराबर केयर करेंगी और एक ना एक दिन हमें बहुत बड़े वृक्ष के रूप में ये देखने को मिलेगा। और हमें ना वो पौधा रोपण समीक्षा जी के नाम का करेंगे, ताकि हमें लगता है आपने की ये पौधा उन्होंने हमको दिया है, हम उसको संभाल करेंगे। ये भी आप जी की भी याद दिलाएगा साथ में हमें, तो फेडरेशन और जैन समाज दोनों साथ में चल रहे हैं यहाँ पर, साथ में दीप ज्योति स्कूल भी साथ में चल रहा है, तो हमें ये हर चीज याद दिलाएगा कि ये दीप ज्योति का पौधा है। और मैं सबसे ये भी गुजारिश कर रही हूँ कि इसकी एक माँ की तरह केयर करें आप सभी, जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं उसकी तरह मैं इसकी केयर करूँ। धन्यवाद शमिष्ठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज जाके ही इसको लगाऊंगी अपने घर पे और बहुत ही अच्छे से इसकी रक्षा करूंगी। पौधों में लग जाएगा कि उसे मुझे बड़ा प्लांटेशन करना पड़ेगा। अरे भाई सीखा तो मैंने।